आओ तुमको मैं ये बताऊं, क्या है पाखोली, क्या है पाखोली। पासल दिल के बढ़ रहे थे, बढ़ रही थी दूरियां भी। गूंज उठी फिर शहनाई मन की, प्यारे मोहब्बत कीर्त भी महकी। दिल से मिले दिल तो दुनिया ये बोली पाखोली। पाखोली खुशियों का पैगाम हर सौ फैलाए, कल्चर तहजीब सब कुछ बताए, हंस कर दिलों को मिलाए। दुख को मिटा कर खुशियाँ जो बांटे, नाम है बस उसका पाखोली। अपने पराए सबको मिलाए, नफरत मिटाए मोहब्बत बढ़ाए। खुश हो के दुनिया ये बोली पाखोली पाखोली। एक मुसलमान की सबसे बड़ी ख्वाहिश अल्लाह के घर का तवाफ और रोजाए रसूल पर हाजिरी है। डॉन ट्रेवल्स आपको दे रहा है हज और उमरे के लिए सबसे बेहतरीन पैकेजेस। तो फिर आज ही कॉल कीजिए 212-244-1818 या विजिट कीजिए dontravels.com। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो यहाँ पे हमारी गैदरिंग है, ये पाखोली पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ लॉन्ग आइलैंड इज सेलिब्रेटिंग पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे एट कनिंगम पार्क न्यूयॉर्क। तो आज इसकी किक ऑफ मीटिंग है। पाखोली का जो पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे इवेंट कनिंगम प्रिंट में होने जा रहा है, आज उसकी किक ऑफ मीटिंग है। और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद आपको जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स है उसे आगाह किया जाएगा, एंड यू विल गो होम विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच वी शैल अप्रिशिएट इफ यू डिस्कस इन योर सोशल मीडिया, योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और इस जो पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन है वो पाकिस्तान के लिए, हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और 18 अगस्त संडे को भी इकट्ठे होंगे, तो इसको कामयाब बनाने के लिए हमें आपका तावन चाहिए होगा। तो अभी जो आज की किक ऑफ मीटिंग है उसका आगाज मैं तलावत कुरान पाक से करता हूँ। बड़ी एक छोटी सी मुख्तसर सी जो है वो सूरत मैं तलावत करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم। हज़रत अली करमल्ला वजहों का कौल है कि सूरज मशरक की बजाय मगरब से तो निकल सकता है मगर इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकता। फिर इसका अमली मुजाहरा हम सब ने इतवार 28 जुलाई की सपैर किंगहम पार्क क्वींस में देखा, जब पाखोली के रूहे रवां बशीर कमर तबीयत में बेचैनी और हलचल के सबब मामूल से हटकर एक नई और बड़ी जगह पर आज़ादी पाकिस्तान का जश्न मुनक़द करने का ऐलान करने जा रहे थे, और वो भी बिलखसूस उस रोज़ जब ब्रुकलिन और जर्सी में रवायती और मजबूत जश्न मनाए जा रहे हों। ये एक अनहोनी लगती है मगर चैलेंज करना और कबूल करना शायद बाबाए कम्युनिटी के रगो पै में रच बस चुका। अभी चंद रोज़ कबल उन्होंने साउथ एशियन कम्युनिटी के नाम पर नासो काउंटी में शानदार फेस्टिवल सजाया। टीम मेंबर्स की तो शायद तकान भी ना उतरी होगी कि उन्होंने एक और मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। मीडिया भी था, मज़े मज़े के खाने, ठंडी हवा के झोंकों के साथ बगैर ढोलक यक जुबान होकर रवायती गीत और यादगार गाने गाती खवातीन ने मालूमात फराहम करने और तबादला ख्याल की इस तकरीब को
فیملی پکنک میں بدل دیا۔ بشیر قمر نے شروع سے آخر تک تفصیل کے ساتھ جشن کے ہر پہلو پر بات کی، بجٹ بتایا، سٹیج کی لوکیشن سے لے کر سٹالز کی قیمت، آرٹسٹوں سمیت دیگر اخراجات پر بات کی۔ اس موقع پر پارک کے اجازت نامے کے حصول میں سلمان ظفر کی کاوشوں کا خصوصی ذکر کیا۔ انہیں ابتدائی معلوماتی تقریب کا دولہا بنا کر پیش کیا گیا۔ تجاویز مانگی گئیں، ممکنات اور ناممکنات پر واشگاف الفاظ میں سیدھی باتیں ہوئیں۔ دیگر تقریبات کے بارے نہ صرف اعلان کیے گئے بلکہ بشیر قمر نے لوگوں کو اپنے پسند کے پروگرام میں شرکت کی کھلی چھٹی بھی دے ڈالی۔ یہ اپنے لحاظ سے ایک انوکھی تقریب تھی، مدعوین نے خوب انجوائے کیا، پکولی کی کاوشوں کو سراہا اور 18 اگست اتوار کی سے پیر اسی مقام پر مل کر جشن آزادی منانے کے عزم کا اظہار کیا۔ زاہد شہباز، پاک وطن ٹی وی، نیو یارک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک۔ بہت ہی ہیکٹر ہمارے پکوڑی کے ڈائریکٹر اور جو چیف فائنینشیل آفیسر ہیں سلمان ظفر صاحب، تو میں مائک ان کے حوالے کرتا ہوں، وہ آپ کو نیسیسری ڈیٹیل سے آگاہ کریں گے۔ جناب سلمان ظفر صاحب، السلام علیکم۔ پہلے تو میں پکوڑی کی طرف سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آنے کے لیے، کہ اپنا ٹائم نکالا آپ نے، اتوار کا دن ہے، فیملی ڈے ہوتا ہے اور موسم بھی گرم ہے، مگر یہ کہ یہ بہت ضروری تھا کہ یہ میلے سے پہلے جو ہے ہم مطلب فیسٹیول، بلکہ جشن آزادی اسے کہیں، میلے کا نام بھی نہ دوں گا، جشن آزادی فیسٹیول جو ہے اس کے لیے کک آف ہم نے کہا کہ آپ سب کو جو ہے نا پارک دکھا دیں اور بتا دیں کہ کہاں کہاں پہ کیا ہوگا۔ ہسٹری یہ ہے کہ پچھلے 18-20 سال سے یہاں پہ کوئنز میں کوئی فیسٹیول نہیں ہوا پاکستان کا، تو اس لیے پاکولی نے یہ سوچا کہ یہاں پہ کوئنز میں جو ہے کچھ ایسا کام شروع کیا جائے جو کمیونٹی کے لیے ہمارے یہاں پہ سہولت ہو جائے ان کو آنے میں، اس لیے کہ اس ایریے میں خاص طور پہ۔ تو اس میں یہ کہ تفصیل تعارف میں نے کروایا، اب اس کی تفصیل جو ہے ڈیٹیل جو ہے وہ قمر بھائی بتائیں گے کہ کہاں پہ ہمارا اسٹیج لگے گا، کہاں پہ اسٹالز ہوں گے اور سنگر وغیرہ کا، پرفارمرز کا، سب کو قمر بھائی بتائیں گے۔ قمر بھائی، بشیر قمر صاحب، فاؤنڈر پکولی، بہت بہت شکریہ سلام علیکم قمر صاحب۔ میں بولا میں آپ سب کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پکولی نیو یارک کی ایک بڑی وائبرنٹ آرگنائزیشن ہے، ہم پچھلے کوئی 11 سال سے لانگ رن میں آج علاوہ پارک میں انڈیپینڈنس ڈے پاکستان کا پروگرام کرتے تھے، اور اس سال بلکہ ہماری 2-3 سال سے خواہش تھی کہ ہم وہاں سے نکل کر ایک جہاں پر میجورٹی کمیونٹی کی ہے یہاں پہ آئے اور یہاں پہ بھی ایک پروگرام اچھا کریں جو کہ پوری کمیونٹی کے لیے بہت اچھا ہو، ساری کمیونٹی آرام سے آ سکتی ہو۔ آج علاوہ پارک میں بہت سارے لوگوں کو یہ بھی دقت تھی کہ وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا کوئی اتنا اچھا انتظام نہیں تھا، وہاں پہ ٹرانسپورٹ بہت زیادہ نہیں تھی اور رات کو خاص طور پر بسیں چلتی ہیں وہاں سے اور ٹرین بھی دور ہے، تو یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں پہ قریب ہی پاکستانی کمیونٹی اور یوں کہتی تھی کہ یہ ایشیائی کمیونٹی کا ہب ہے، تو یہاں پہ ایک پروگرام کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا جائے۔ ہمارا کسی کے ساتھ نہ تو کوئی مقابلہ ہے، نہ کسی کے ساتھ کسی قسم کا قرض ہے، نہ کوئی علامت ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ سب کے ساتھ مل کے کام کریں، اور آج سب کو یہاں پہ بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ایک ایسا پاکولی پچھلے کئی سالوں سے میرا خیال میں یہ آتی ہے واحد ویل اسٹیبلشڈ ویل آرگنائز اور ایک اچھی شہرت رکھنے والی آرگنائزیشن ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم کو کام کریں تو وہ ایسا ہو سب کے لیے قابل فخر ہو، ہم اپنے علاقے میں رہنے والے لوگ رہتے ہیں، پاکستانی بھی بہت بڑی مقدار بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں، تو اس پارک کو ہم نے یوں بھی منتخب کیا۔ ہم نے پچھلے سال بھی کوشش کی تھی کہ اس کا پرمٹ مل جائے لیکن ہم کو پرمٹ نہیں ملا تھا، تو ہم نے پچھلے سال یہ ارادہ ترک کر دیا۔ اس سے پہلے بھی 5 سال ہم نے کوشش کی کہ یہاں پہ، لیکن اس زمانے میں اس پارک میں رینوویشن چل رہی تھی جو کہ بیچ کو 4 مہینے پہ 4 مہینے پہلے کمپلیٹ ہوئی،
तो हमने फिर कोशिश की और जान लू जो है वो सैनेटर है, हमने उनके पास बड़ी कोशिश के बाद अप्रोच किया। सलमान जफर ने इस पर खास तौर पर बड़ी मेहनत की और इस काम को करने में सलमान जफर ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। पाकोली आज यहाँ पे जो बैठी है तो इसमें सलमान जफर की बेइंतहा मेहनत शामिल है। अब दूसरी बात यह कि यहाँ पे जो प्रोग्राम होगा, मैं यहाँ पे तीन खासियतें इसकी बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये सेंटर में हब है कम्युनिटी का, लॉन्ग आइलैंड के लोग करीब महसूस करते हैं, क्वींस के भी लोग तो सेंटर में हैं और जो दूर से भी लोग आ रहे हैं ये बिल्कुल हाईवे के साथ ही है। और दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पे जब प्रोग्राम पेश करेंगे तो इंशाल्लाह ये एक यूनिक प्रोग्राम होगा। मेरा ये दावा है कि जो हमारा स्टेज होगा इससे पहले न्यूयॉर्क में ऐसा स्टेज भी किसी ने नहीं देखा होगा और मैं ये समझता हूँ कि ये स्टेज जो है वो हमारे फख्र की अलामत होगा। हम एक ऐसा स्टेज बनाएंगे जहाँ पर देखने वालों को अंदाजा होगा कि ये एक मामूली स्टेज नहीं बल्कि बहुत अहम स्टेज है। मेरे पाकोलियन भी जो फख्र करेंगे जिस तरह हम पाकोली में मेहनत करते हैं, हर आदमी जिस तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है तो वो डिजर्व करता है कि उसको भी प्रमोट करें, लोगों को पता लगे कि ये कौन सी टीम है, ये कैसे प्रोग्राम करती है। हम तो उसके लिए पाकिस्तान से कॉमन पृथ्वी जो एक बहुत अच्छी बड़ी फेमस गुलकार है उसको यहाँ पे बुला रखा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, वो यहाँ पे होगी, वो मेन सिंगर है हमारी और पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर जो आजकल नकल है जाने वाले हैं इंडिया में कुछ दो हफ्ते के दौरे पे, और वो राघा बॉयज वो भी यहाँ पे आएंगे परफॉर्म करेंगे। और पहली बार एक जो पाकिस्तान की शोहरत रखने वाली जो अमेरिका में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है स्टैंड अप कॉमेडियन है होना चाहिए, वो यहाँ पे इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। हमारे सब कॉन्टैक्ट सबके साथ साइन हो चुके हैं, सबको एडवांस दिए जा चुके हैं और स्टेज हमने बुक कर दिया है, पार्क का परमिट सबको मिल चुका है और बाकी जो छोटे छोटे इंतजाम हैं वो भी करेंगे इंशाल्लाह ताकि एक दो हफ्ते में हो जाएंगे। ये स्टेज हम इंशाल्लाह यहाँ पे सेंटर में लगाएंगे और फेस किस तरफ को करेंगे। और अगर सूरज है भी तो चार बजे के करीब ढल जाता है, ढलना शुरू हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे सारा साया होगा, ज्यादा धूप की शिद्दत नहीं होगी। हम फेस बाइक की तरफ करेंगे, सेंटर में स्टेज होगा तो बहुत अच्छा होगा, सिक्योरिटी का बहुत अच्छा इंतजाम होगा और यहाँ पे तकरीब 500 कुर्सियाँ सिर्फ उन लोगों के लिए लगाए गए जो कि कम्युनिटी में पाकुड़ी की मदद करते हैं, पाकुड़ी की हेल्प करते हैं, पाली पाकुड़ी को सपोर्ट करते हैं। हमारे लिए वो लोग ज्यादा अहम है जो हमारे लिए न सिर्फ ये पाकुड़ी की है, हमारे से मुराद हमारे कहते हैं इसका मतलब पाकुड़ी है, जो पाकुड़ी को सपोर्ट करते हैं, जो पाकुड़ी के साथ काम करते हैं, जो पाकुड़ी के साथ उनका दोस्तान है, ये 500 कुर्सियाँ उनके लिए लगाई हैं और जो ऑफिसर्स आएंगे ये 500 कुर्सियाँ उनके लिए होंगी, ये आम पब्लिक के लिए नहीं होंगी, किसी के लिए नहीं होंगी। और जो हमारे स्पॉन्सर्स होंगे, जो हमारे एडवर्टाइजर होंगे, जो हमारी फैमिलीज होगी पाकोली की, तो हम ये 500 कुर्सियाँ उनके लिए लगाएंगे सर। और उसके लिए सिक्योरिटी का सख्त, हर आदमी को उसका एक बैंड मिलेगा, वो जो बैंड उसके पास होगा रिस्ट बैंड वही उस जगह पर जा सकेगा। और उसके बाद हमारा जो वो जो होना है ये एल शेप में वहाँ पे हम स्टॉल लगाएंगे, स्टॉल पे हम लिमिटेड रखेंगे तो 25 के करीब स्टॉल लगाएंगे, ज़्यादा स्टॉल नहीं लगाना चाहते हम क्योंकि बाद में स्टॉल को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल रहता है और प्राइस कंट्रोल करनी बड़ी मुश्किल रहती है। खाने के हम ज़्यादा 3 साल लगाएंगे यहाँ पे और वो जो खाने के 3 साल होंगे उनको भी हम हिदायत देंगे कि किस कीमत पे यहाँ पे बेचें, उससे ज़्यादा महंगा खाना ना बेचें यहाँ पे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पे आए वो रियली इंजॉय करें। म्यूज़िक बहुत अच्छा होगा, साउंड सिस्टम इसका हम किसी देसी कंपनी को नहीं बल्कि हम अमेरिकन कंपनी को हायर कर रहे हैं, अमेरिकन कंपनी हम हमारा कंट्रोल करेंगे उसको कि वो कितना साउंड हो, कहाँ तक जाए। और रात 10 बजे तक हमारे पास परमिट है जो कि मुमकिन है आधा घंटा भरवा सकते हैं, तो ये सारे इंतजाम हैं। हम ये चाहते हैं कि जब हम यहाँ से जाएँ तो ये पार्क बिल्कुल साफ सुथरा हो, और जो आप लोगों को आज बुलाने का मकसद ये भी था कि आप इस पार्क को देखें कैसी जगह है। अब आप अपनी फैमिलीज को, जानने वालों को, दोस्तों को, सबको मदू करें, यहाँ पे बुलाएं, उनको खुद बताएं बजाय इसके घर आदमी हमको फ़ोन कर रहे हैं, आप उनको बताएं कि यूनियन टर्न पाइक पे बिटवीन 193 एंड 196 के बीच में सीधे आके पार्क है, या यू वहाँ से है तो ये
کو آدمی مس نہیں کر سکتا, اور اس کے یہاں پہ لگانے کا یہ بھی ہے کہ یہاں پہ خواتین کے لیے, مردوں کے لیے, دونوں کے لیے یہاں پہ حاجت رفع کے لیے بہت اچھا انتظام موجود ہے. پارکنگ بے شمار ہے یہاں پہ, اور ساری گلی میں پارکنگ ہو سکتی ہے. تو ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم یہاں پر ایک ایسا پروگرام پیش کریں جو کمیونٹی کے لیے بھی باعث فخر ہو اور پاکولین کے لیے بھی باعث فخر ہو, کہ ہم پاکولین جو ہے وہ اس صلاحیت کے مالک ہیں کہ ہم جب پروگرام کریں تو ہمارا اس پہ نہ صرف یہ کہ مکمل کنٹرول ہو بلکہ یہ بھی ہو کہ وہ سب لوگوں کے لیے باعث افتخار بھی ہو. اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو بات کروں, جو کہ جس ابھی پانچ چار پانچ مہینے پہلے پروگرام تھا یہاں پہ, وہ امیرکن پروگرام تھا, اور اس پارک کی جو فیس ہے وہ انہوں نے $11,500 اگر آپ اس طرح جائیں گے تو اس پارک کی فیس ہے $11,500 اور وہ انہوں نے دی تھی, اور ان کے پاس جو یہاں پہ اسٹیج لگا ہوا تھا وہ وہاں پہ تھا, یہاں پہ تقریباً ان کو 5,000 آدمی تھے اور وہ رات کو 9 بجے ختم ہو جاتا. اس کے بعد یہاں پارک ڈپارٹمنٹ کو بہت زیادہ پرابلم ہوئے, یہ پارک کا اس کے تقریباً اس کے پیچھے جو کرتا تھا وہ پارک ڈپارٹمنٹ ہے, یہاں پہ چاروں طرف یہ ڈبے اور وغیرہ وغیرہ چیزیں پڑی ہوئی. ہم نے ابھی آپ سے کہا کہ ہم جہاں یہاں پہ اسٹال بھی محدود لگائیں گے, اس لیے کہ تاکہ ہمارا اسٹالس پہ کنٹرول ہو سکے. ہم یہ نہیں چاہتے, ہمارا ایک یہ بھی دستور ہے یا روایت ہے یا ہمارا ایک مزاج ہے کہ ہم جس پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں پھر وہ وہیں پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں. ہم یہاں پہ بے شمار لگائیں گے گارویج بیگ لگائیں گے, اور ہم سب سے آپ بھی کہیں ہم بھی کہیں ہم سب کوشش کریں کہ لوگ گارویج اس میں پھینکے جائیں. اب باقی رات کے پاس اسٹیج آپ وہاں پہ لگائیں جہاں پہ لگائیں جہاں مرضی لگائیں, لیکن وہاں لگائیں گے تو وہاں پہ شکایات نہیں ہو جائے گی. سنڈے کا روز ہے, لوگ 7 بجے کے بعد امیرکن کمپنی 7-8 بجے کے بعد سونا چاہتے ہیں. ہمارے پاس ریزیڈینشیل ایریا وہاں پہ لگائیں گے اس کی آواز ہے, اور آپ کے سامنے بھی ریزیڈینشیل ایریا, تو یہ ہمیں آواز کو بھی کنٹرول کرنا ہے. پہلا ہمارا پروگرام ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ساری سموتھ نہیں ہو. آل کہ ہم جب یہاں پہ پروگرام کریں تو ہم جب گندگی نہ پھیلا کے دیں, کیونکہ ہوتا یہ کہ ہر پروگرام کے بعد ہوتا ہے کہ لوگ تماشا دیکھ کے چلے جاتے ہیں, پورا پال خانیہ کو صاف کرنا پڑتا ہے. ہم ایک بات کا شروع حال کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم یہاں بیٹھ کے پورا پارک صاف کروا کے جاتے ہیں, کیونکہ اگر آپ نے پارک نہیں صاف کروایا تو اگلی بار آپ کو پرمیشن نہیں ملے گی اور آپ کو پارک کرنا ہوگا. تو اس لیے جو اسٹیج کا آپ کا مشورہ ہے بہت شکریہ, اچھا بتایا آپ نے, لیکن اسٹیج کی جو پرمیشن ہے وہ یہاں پہ ملی ہے, یہ ہمارے پاس ابھی آپ کو دیتا ہے کہ پورا پلان موجود ہے, یہ اپروو ہو گیا پارک ڈپارٹمنٹ سے اور یونیورسٹی آف نیو یارک, تو ہم اس میں تو تبدیلی نہیں کر سکتے. کوئی اور سوال اگر کسی کے ہے تو. جب ہمارے بچے چھوٹے تھے ابھی تک بڑے تھا, ابھی چونکہ آپ نے ایک رینک کیا ہے اور آپ کوئن پہ اپروچ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو رینک کر کے دوسرے بھارت میں جاتے ہیں تو پروگرام میں, میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا آپ نے کوئن کے لوکل ریزیڈنٹ کو, کیونکہ میرے خیال کے مطابق جو میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ آف دا ڈائریکٹر بلانگ ٹو لانگ آئلینڈ آپ کے جگہ, تو جب آپ کوئن میں ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو کیا کوئن میں رہنے والے ریزیڈنٹ کو آپ نے ڈائریکٹرشپ میں آنے کا آفر کیا ہے, اور ان کے تجاویز اور ان کے مشوروں سے ان کی مانگیں آپ نے یا ان کے خط کا درج کیا ہے؟ تھینک یو. شکریہ, بڑا آسان سوال ہے اور بڑا آسان جواب ہے. جواب یہ ہے کہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے یہ ہے پاکستانی پاکولی نیو یارک, اور یہ 501(c)(3), اس میں کوئی
बंदिश नहीं है कि वो सिर्फ लॉन्ग आइलैंड के रेजिडेंट हो। हमारे दो डायरेक्टर क्वींस अतिया मुस्तफ़ा जो क्वींस में रहती है, अतीक कादरी ये क्वींस में रहते हैं, और अतीक जनरल सेक्रेटरी डायरेक्टर। बात यह है कि अगर किसी आदमी को इस फील्ड में खैर बहुत जल्दी है, लेकिन मुस्तकबिल में अगर पाकोली का मेंबरशिप लेनी है, पाकोली को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आए जो भी पाकिस्तानी है, ये प्रोग्राम उसका है, पाकोली सिर्फ इसकी ऑर्गेनाइजर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमने किसी को पाबंद किया तो लागा, अगर कोई आदमी प्रेजेंट से भी आके पाकोली का मेंबर बन सकता है। पाकोली का जो सदर दफ्तर है वो तो लॉन्ग आइलैंड में है, लॉन्ग आइलैंड में रहते हैं, वहाँ पे दफ्तर रखने की। लेकिन अगर मुस्तकबिल में देखा कि हमारे डायरेक्टर ज्यादा यहाँ पे आ गए तो हम एक ऑफिस यहाँ पे भी बना लेंगे। तो बात यह कि किसी को पाबंदी नहीं है कि कोई आदमी इसमें आ नहीं सकता। हाँ, मेला का चूंकि इंतजामिया पाकोली है तो पाकोली ही रहेगी, हम इसमें किसी को कोई बंदिश नहीं कर। लेकिन कोई आदमी इसमें डायरेक्टरशिप लेना चाहता है, मेंबरशिप लेना चाहता है, वो उसके लिए तो पाकोली के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। बंदिश नहीं, आज भी आपकी एक फॉर्म फिलअप कीजिए और जो फीस का छोटा सा हिस्सा है वो भी। मेरा ख्याल है कि ये आपके सवाल का जवाब अठारह को 18 अगस्त को गवर्नमेंट मेला भी हो रहा है और जर्सी भी ट्रेड हो रही है। तो पहले आमतौर पर एक चीज होती थी, बहुत से लोग जर्सी में भी जाते थे, मेले यहाँ ब्रुकलिन वाले में भी जाते हैं। अब तीन चीज़ें एक दिन हो रही हैं, तो आप इस अपने जो फेस्टिवल है इसकी कामयाबी के हवाले से क्या समझते हैं, तादाद जो है ये अभी एतबार से कैसा हो रहा है? क्या जी, मैं इस बात का मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, लेकिन जब कुछ दो महीने पहले सलमान जफर साहब को ये ड्यूटी सौंपी गई थी कि वो पता करे कि ब्रुकलिन में मेरा क्योंकि हमारे पास इसकी दो डेट अवेलेबल थी अगस्त के महीने में, एक 11 अगस्त की डेट अवेलेबल थी और एक 18 अगस्त की, और फिर सितंबर की 5 तारीख अवेलेबल थी। तो चूंकि ये पार्क है तो इसके एक इंतजामिया है, वो ये देखते हैं कि उनके कैलेंडर पे क्या है, तो हमने इनकी जिम्मेदारी दी थी। और आप बताइए जी, तकरीबन 2 महीने पहले मैंने कॉल की थी शेख इशफाक साहब को ब्रुकलिन में लेने, ऑर्गेनाइजर्स जो है वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स, तो उन्होंने बताया था कि कोई डेट अभी अनाउंस नहीं उन्होंने की, वो उस पर वर्क कर रहे थे उस टाइम पे, तो उन्होंने कोई डेट अनाउंस नहीं की। तो ये डेट उन्होंने कोई एक हफ्ता पहले अनाउंस की है, सिर्फ लास्ट वीक में कोई 4-5 दिन पहले अनाउंस की है। तो मतलब हम कोई ऐसा चाहते नहीं थे कि मतलब कि सेम डेट को जो है ना हो जाए, मतलब दोनों फेस्टिवल सेम डे हों, तो इसलिए उन्होंने सब पूछ लिया था। मतलब हमने अपनी जो मतलब है मतलब करना था वो हमने उनका मतलब कन्फर्म करने के लिए उनको कॉल करके पूछ लिया था। तो अब ये कि उन्होंने फिर वो 18 ही रख लिया, अब तो चलें गुड लक कहेंगे उन्हें भी। और आपके मैं नाई जी आपके एक क्वेश्चन का जो आपका क्वेश्चन था ना कि वो अमेरिकन उसमें जो मोना शेख है ना कॉमेडियन, वो इंग्लिश कॉमेडी भी करती है। हाँ जी, वो ये अमेरिकन चैनल्स के साथ भी इन्वॉल्व है, वहाँ वो इंग्लिश कॉमेडी भी बहुत करती है, बहुत ज़्यादा करती है, तो इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं करेंगे, वो कॉमेडी है ना, गाना नहीं, वो कॉमेडी करेंगे, इंग्लिश में भी कर लेंगी। लेकिन यहाँ का एक सिस्टम है, आपको यहाँ पे 3-4 महीने पहले अप्लाई करना होता है, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आपकी रेपुटेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ की लोकल इंतजामिया के सपने बस आए तो डेट मिलती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप कम्युनिटी इतनी बढ़ गई है, अगर यहाँ पर सिर्फ क्वींस के लोग आ जाए तो मेरा ख्याल है 10,000 आदमी का ये जगह जो ना फिर भी बन जाएगी। सिर्फ 18 अगस्त को वहाँ पे परेड ही नहीं है बल्कि और बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, कुछ लोगों के जाति घरों में भी प्रोग्राम होंगे और कुछ लोगों के छोटे छोटे आदि की तंजीमें भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि एज ए होल हमको मिजाज ये देखना होगा कि कौन सी डेट पे क्या काम हो सकता है। तो 18 अगस्त वक्त मच ओपन और हमने 3 महीने पहले ये डेट इंतजामिया को दे दी थी, और ये डेट मिलने से पहले
वो एक तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका सारा चेक होता है, क्रेडिट चेक होता है, क्या प्रोग्राम इन्होंने किए हैं, कितने सक्सेसफुल है, क्या उनकी रेटिंग है, और फिर बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर ये जो है वो मिलता है आपको परमिट। तो रूटीन के लिए तो आसान है, उनको एक डेट फिक्स करनी थी, बता देना था, लेकिन मैंने कोशिश की कि हमारा उनकी क्लैश ना हो, लेकिन अगर हो गया है मेरा ख्याल है अपने लोग इतने हैं, वो तो मिनी पाकिस्तान है भाई, तो वहाँ पे इतने लोग हैं, वहाँ पे जो सड़क पे कोई दो चार पाँच दस हज़ार लोग आ सकते हैं वो वहाँ पे भर जाए, कोई यहाँ पे लोगों का चॉइस है, और पाकिस्तानी क्रिकेट भी बढ़ गई है, अगर हम सब गली कूचों में भी करें, हम तो याद है तो पाकिस्तान में थे, नंबर का प्रभाव बहुत धूमधाम पर गली में किया करते थे। लोग देखिए इतना तो मेले में जाने के लिए वॉक भी कर लेते हैं एक दो गलियां, तो पार्किंग का वहां पे कोई इश्यू नहीं है, हमने यहाँ पे सुनिए, हमने यहाँ पाकोली में अपने कोई तकरीबन 3 से 4 प्रोडक्शन है हमारी, एक में उम्र खयाम के नाम से प्रोडक्शन है और जिसमें बड़े शामिल हैं, और उसके बाद बच्चों के खुसूसी तौर पे नगमे तैयार करवा रहे हैं, और फिर इस खवातीन और मर्दों के और मिली नगमों पे यहाँ पे 2-3 प्रोग्राम आप बना रहे हैं जो इंशाल्लाह पेश करेंगे, क्योंकि पाकोली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें खवातीन की और फैमिलीज की बहुत बड़ी शिरकत है, और हम ये प्रोग्राम खुद बनाते हैं, जैसे कि आप देखते हैं हमारे 2-3 प्रोग्रामों के लोकल प्रोडक्शन होगी, आपको इंशाल्लाह वो भी पसंद आएगी, और मेरा ख्याल है जो बाहर से फनकार आके करते हैं उसके मुकाबले में वो भी कम नहीं होगी, तो इसलिए ये भी यकीन रखें कि हम सारे प्रोग्राम पाकोली के इस तरह करेंगे कि यहाँ पे बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे। बच्चों के लिए काफी देखिए झूले वूले काफी यहाँ लगे हुए ना, तो यहाँ पे वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही है, वो जब भी मम्मी ने लगाने यहाँ पे तो उसका कोई फायदा नहीं, बच्चे यहाँ पे काफी टाइमिंग हम इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम ये है कि 2 बजे से इसको प्रोग्राम को ओपन करेंगे, 4 बजे हमारा स्टेज का प्रोग्राम शुरू होगा, रात 10 बजे तक, और अगर जरूरी समझा तो आधा घंटा बढ़वा भी सकते हैं। हाँ चेक साहब का डांस भी होगा, भंगड़ा होगा जी। किसी और का कुछ सवाल? मेरी एक बात है, पैकोली कर दे पाकोली हमारा ट्रेडमार्क है, हम 11 साल से काम कर रहे हैं, और ये पाकोली न्यूयॉर्क है, तो अब इसको आप इसको पानी कर दें, पोनी कर दें, पाकोनी कर दें, कुछ भी कर दें, तो ये पाकोली न्यूयॉर्क है, PNYI, तो आप इसको जो मर्जी कर ले, ये पाकोली न्यूयॉर्क है। कोई और सवाल किसी का? लेकिन यहाँ पे इंशाल्लाह 2 आदमी मौजूद होंगे, 2 खातून एक मर्द या 2 मर्द जो भी होगा, पार्क डिपार्टमेंट का जो सजा 1-1 घंटे में साफ करते रहेंगे। आपका 3 तारीख को मेला है, 3 अगस्त को यहाँ पे न्यूयॉर्क मिनेटर में इनका मेला है, राजा रजाक साहब का, यो में आज़ादी है पाकिस्तान के हवाले से, तो और नासर शरीफ साहब भी उसमें शामिल है, तो आप माशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा आप शामिल हैं, शामिल है, तो हम इंशाल्लाह सारे मिल के आएंगे वहाँ पे, जरूर आएंगे, आप शिरकत करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा इसमें मैंने ये एक बात ऐड करनी थी कि ये परमिट लेना तो इतना आसान काम नहीं था यहाँ का, तो बहुत मुश्किल से नहीं बहुत मुश्किल था यहाँ पे परमिट इस पार्क का लेने के लिए, मगर ये कि अब सबसे गुजारिश है
कि अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको लेके आए, फैमिलीज को यहाँ पे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सेंटर है सिटी का, यहाँ पे बहुत लोग ज्वाइन करेंगे हमें इंशाल्लाह। अच्छा एक बात मैं बता रहा हूँ, क्या बच्चों के हवाले से इस प्रोग्राम में हमारे साथ 107 प्रीसेंट भी शामिल है, जालनू का ऑफिस तो हमारे पास, सेनेटर जालनू का ऑफिस तो हमारे साथ शामिल है, ये उसी की स्पॉन्सरशिप में प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन 107 प्रीसेंट भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है और वो बच्चों के लिए कुछ वो कुछ चीजें लेके आ रही, जो बच्चे वहाँ पे प्ले रेंट वगैरह टाइप की चीजें वो लेके आ रहे हैं, वो उन्हीं की स्पॉन्सरशिप में वही करेंगे। तो हाँ अप्रूवल में भी चुके, अभी अप्रूवल हुआ नहीं उसका, लेकिन मुमकिन नेक्स्ट वीक होगा तो फिर हम वो भी अनाउंस कर देंगे, लेकिन मैं अनाउंस नहीं करना चाह रहा था क्योंकि उसका अभी तक अप्रूवल नहीं आया, लेकिन हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब कहते हैं। हाँ जी 11 अगस्त को हैदराबाद पार्क में मिला है, जिसमें जहीर मेहर साहब जो ना ये उसके क्या जी आप उसके ये उनका वो है, तो हैदराबाद पार्क में 11 अगस्त को मिला है, आप लोग उसमें भी जरूर जाइएगा। 4 अगस्त को पाकिस्तान डे परेड मिनिस्टर में जरूर जाइएगा। 18 अगस्त को ग्रुप में मेला है, इसमें वहाँ जाना, वहाँ पे भी जाए। 18 अगस्त को जर्सी में पाकिस्तान डे परेड एंड मेला है, तो जिसमें जाना वहाँ पे बहुत जाएगा। आओ तुमको मैं ये बताऊं क्या है पाकोली, क्या है पाकोली, पासल दिल के।